मैं सबनास और मेरे साथ रबशी लाइव देख रहे हैं आप। और आइए बात करते हैं एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता की कवायद में जुटे हुए हैं। पाला बदलकर महागठबंधन में शामिल होने के बाद वे बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एक मंच पर लाने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ और भुवनेश्वर नाप रहे हैं। नीतीश कुमार की ये कोशिश है अब जो है वो कामयाब होती नजर आ रही। जी हाँ, जो लगातार नीतीश कुमार कोशिश कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अब कामयाब होती नजर आ रही। इसके पीछे कई वजूहात हैं। 2024 चुनाव से पहले विपक्षी एकता स्वरूप लेने लगा है। इसके बाद 12 जून को पटना में बीजेपी विरोधी दलों का सियासी जमावड़ा लगने की संभावना भी है। 12 जून को सूत्रों के अनुसार अगर हम बात करें तो 12 जून को विपक्ष को एक मंच पर बीजेपी के खिलाफ लाने के लिए नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। जेडीयू ने 12 तारीख की बैठक होगी इसका आधिकारिक ऐलान भी कर दिया है। जी हाँ, इसकी ऐलान हो चुकी है। ये बैठक बिहार की राजधानी पटना में होगी। बैठक कहाँ होगी इसके बारे में भी जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पटना के ज्ञान भवन बीजेपी विरोधी दल बैठक करेंगे। ज्ञान भवन में इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है। जो बैठक 12 जून को होगी इसके लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है। इस बैठक में 12 से 14 दल शामिल हो सकते हैं, जहां कांग्रेस ने नीतीश कुमार की बैठक में शामिल होने की सहमति दे दी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी विरोधी दलों की बैठक में कांग्रेस पार्टी शामिल होगी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर सभी बीजेपी विरोधी दल एक साथ आ जाते हैं तो उन्हें हराना आसान होगा। अब जाहिर सी बात है, अगर सभी विरोधी एक साथ खड़े हो जाएंगे तो एक बेचारी अकेली पार्टी क्या ही कर पाएगी। वही खबर ये भी है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का भी बैठक में आना तय माना जा रहा है। दरअसल ममता बनर्जी ने ही नीतीश कुमार को विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाने की बात कही थी। दीदी ने नीतीश कुमार से कहा था कि जिस तरह नायक जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष को एकजुट किया था, उसी तरह ही बीजेपी के खिलाफ भी विपक्षी पार्टियों की बैठक बिहार में आयोजित की जाए और एकजुटता का कार्यक्रम चलाया जाए, एकजुटता मुहिम चलाई जाए। याद हो कि नवीन पटनायक से भी मिल चुके हैं नीतीश कुमार। बात सिर्फ दीदी की नहीं है या कांग्रेस की नहीं है, नवीन पटनायक से भी मिल चुके हैं नीतीश कुमार। जी हाँ, 12 जून को होने वाली बैठक से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मुंबई में उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की। जी हाँ, उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी वो मुलाकात कर चुके हैं। उस वक्त नीतीश कुमार ने दोनों नेताओं को बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया था। इसके साथ ही वह झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से भी मिल चुके हैं। हमने अपने रिपोर्टों के माध्यम से आपको बताया था जब वो झारखंड गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार विपक्षी एकता की कवायद में उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से भी मिलने पहुंचे थे, लेकिन मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने इसे गैर राजनीतिक बताया था। जी हाँ, मुलाकात तो हुई थी जहां पर अटकलों का बाजार भी गर्म हुआ था, लेकिन उसके बाद दोनों नेताओं ने इस मुलाकात को गैर राजनीतिक बता दिया था। खैर, अब 12 जून को होने वाली बैठक में क्या बातें होंगी इस पर तो सभी की नजरें रहेंगी। अगर आप भी अपनी नजरें रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और खबरें अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें। और ये जो विपक्षी एकजुटता की मुहिम चल रही है इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल तो रिपोर्ट यहीं तक। इस तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।